बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद को सब खैरियत से होंगे, आपके बर्थ भी खैरियत से होंगे। आदान नाम बारगाह हज़रत मस्जिद में मौजूद हैं, माशाल्लाह से बादशाह का दीदार करने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं। आपको ज़ियारत कराते हैं, मुलाकात कराते हैं, इनके ऑनर से चलते हैं वीडियो गुजारने का। माशाल्लाह शौक कीजिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी हाइट है, बहुत प्यारी हाइट है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त, नाइस 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 नाइस। हाँ भी शौक करें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह इसकी हाइट देखें, इसकी खूबसूरती देखें, माशाल्लाह। ये ओनर हैं माशाल्लाह, सैयद मैनेजर हसन नकवी साहब हैं, देखें माशाल्लाह जी। इनका इंटरव्यू भी लेंगे अभी जाके, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी क्या बात है, वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाइए। बस जनाब इस वक्त हम 7 मुहर्रम की तैयारियों में मसरूफ हैं। कल हमारा मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदिया गुलगश्वर मुल्तान से बरामद होगा 2:30 बजे दिन, और अपने मुकर्रर रास्ता से होता हुआ शाम 7 बजे इख्तिताम पज़ीर होगा। और इसमें हमारा ये जुलजना पाक जो है बादशाह, उसमें ये शमूलियत करेगा इस जुलूस में। तो अभी हम इसको आपको इसकी गोडी लगा के और इसकी जो भी चीज़ें इसकी हैं गोडा पासा, वो आपको मंदिर कशी करेंगे करबला मौला की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, اللهم صل على محمد وآل محمد يا شهيد كربلاء يا الله يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد। ये इस वक्त 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन पर तीरों की बौछार हो रही थी, तो ये वाहिद सवारी है जिसने इसके उनके इर्द गिर्द अपना चक्कर काट रही थी और तमाम तीर अपने ऊपर ले रही थी। तो ये सबसे वफादार सवारी है, इसलिए इसकी इमाम हुसैन के नाम से इसको मंसूब किया गया है और इसका नाम जुलजना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस वक्त हम 10 मुहर्रम की तैयारी के सिलसिले में
उसकी मंदिर की शिकर करने वाले हैं, और के 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के घोड़े ने किस तरह गोडी लगाई और किस तरह पासा किया, और फिर जब इमाम हुसैन पर तीरों की बुछाड़ हो रही थी तो ये उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा के तमाम तीर अपने ऊपर ले रहा था। और ये आप देख रहे हैं, ये तमाम निशानात जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम तीरों के निशानात हैं, ये कि जो भी दुश्मन की तरफ से तीर चल रहे थे वो मुर्तजिज अपने ऊपर ले रहा था, अपने जिस्म पे ले रहा था, और इमाम हुसैन को बचा रहा था, इसलिए इसका नाम जुलजना रखा गया है। ये इमाम हुसैन की सबसे वफादार सवारी है, और जिससे जिसको हम ये मुर्तजिज कहते हैं और जुलजना कहते हैं। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह जी। बस ये मौला की सवारी है, हम तो नौकर हैं इसके, नौकरी कर रहे हैं 25 साल से पुराने। अच्छा, मुझे 25 साल हो गए हैं सवारी की अपना नौकरी करते हुए। इससे पहले इसका नाम बादशाह है, उसका भी नाम बादशाह था, तो वो किसी एक्सीडेंट में उसकी शहीद हो गया था, तो उसके बाद ये थारो ब्रेड है, और माशाल्लाह हैवी ब्रीड। इसकी हाइट माशाल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा है, 18 के करीब इसकी हाइट है। हाँ, ये मतलब है तो इम्पोर्टेड नस्ल, थारो ब्रेड इसकी इम्पोर्ट नस्ल है, कि ये GHQ के अंडर आता है अपना, और आर्मी इसकी ब्रीड को जो है ना इम्पोर्ट करती है। 9 साल का है जी इस वक्त जी, और माशाल्लाह इस वक्त ये फुल फॉर्म में। डाइट में इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 5 टाइम इसको हम पानी देते हैं जिसमें ग्लूकोज होती है, और हर पानी में, और फिर शक्कर देते हैं, और ताकि इसको गर्मी का असर ना हो जी, हर पानी में ग्लूकोज मिला के देंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो उसमें हम इसको ग्लूकोज ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं, और साथ नमक देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाले देते हैं, जिससे ये इसका हाजमा भी सही रहता है और ये वैसे भी फिट रहता है, यानी कि स्टोमिक के लिहाज से ना, तो मुख्तलिफ किस्म के स्टोमिक पाउडर्स होते हैं वो देते हैं, तो हफ्ते में 3 दफ़ा तेल देते हैं इसको, सरसों का तेल देते हैं वो चौकर में मिला के, ताकि इसकी ऑयलिंग रहे, ड्राइनेस ना रहे इसके अंदर जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप देख लें अपना, हमें तारीफ वैसे भी करनी चाहिए, सवारी है जिसकी तारीफ उसकी है, मौला की सवारी है, बस हम तो नौकरी कर रहे हैं बस। बिल्कुल जी, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, सुबह यहाँ पे आधा घंटा हम उल्टे चक्कर देते हैं, आधा घंटा सीधे चक्कर देते हैं, बीच में यहाँ पे एक किला फिक्स कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी जो दौड़ होती है सुबह 5 बजे हम इसको सुबह निकालते हैं, और ये इसका मतलब यहाँ से कोई 4 किलोमीटर जाना, 4-5 किलोमीटर वापसी, यानी कि 10 किलोमीटर की सुबह इसकी वॉक होती है। मैं साथ होता हूँ, मैं इसके साथ होता हूँ, कभी नहीं होता तो फिर ये है कि हमारा जो केयर टेकर है वो अब ट्रेंड हो गया, उसको पता है कि क्या करना है, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरा ये होता है कि मैं इसके साथ पीछे पीछे होता हूँ जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जनाब। आप सब लोगों का मुहर्रम का ये बहुत बड़ा गिफ्ट है सब पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला सब की तौफीक आज में इजाफा फरमाए, और मेरी तो यही दुआ है कि ये 10 मुहर्रम के हवाले से बहुत बड़ी एक ज़ियारत है जिसकी ज़ियारत पूरा पाकिस्तान कर रहा है जी। इंशाल्लाह।